जिस पूनम पांडे हमारे साथ है. I apologize for being a little late. I got staying in South Bombay. It's like coming from another planet, huh? But I mean, first of all, congratulations. I'm definitely going to read this one now, way back on my house. And I spoke to him yesterday. And guys, it's his birthday. Yeah. I mean, how amazing is that? How are you feeling? I want to know that from you now. How are you feeling? It's my 50th birthday. No, I'm serious. I'm 72 born. I'd like to say something. I don't think you're born yet. You're not even born yet. I'm gonna take my seat. Oops. So I think it's very important exercise. Come what you take, you need to back to also exercise. Important. So I think it's very important for people to get back. And sometimes you try a lot of things. बहुत चीजें try करने के लिए होता ही नहीं है, weight loss होता ही नहीं है. So I think it's very important for somebody who's actually gone through the journey. बहुत सारी book लिख लोग लिखते हैं जो already पतली हैं और वो लिख रहे हैं कि मेरा ऐसा करो ऐसा करो. But it's very important to find somebody who actually has been through the process. Doing power the index, what was the best thing about it? I've seen, I mean, I've seen the book, so to understand what is there in the book. And I really enjoyed the honesty. जिस तरीके से मैं start में बताया कि ये चीजें हैं, जिनके macronutrients, micronutrients, खाना is so important and you enjoy food and not to have notions in it. So I think it's very practical, very valuable, and it's a way of life. And what do you want to say? You just started singing also. You made your debut in singing. Yes. What was the response from your fans? Superb. हम आप अभी 8.5 million पे हैं, which is a great thing for somebody who has never sang before. और बचपन में गाता था, लेकिन छूट गया क्योंकि dancing में interest ज़्यादा था. फिर you know अभी इस लॉकडाउन में मतलब कुछ वापस उस जो सोए हुए अरमान को जगाया है training ली 2 साल तक और फिर you know composer के साथ आया गाना गाया. Felt very good. एक अलग जर्नी में तय कर रहा हूँ. अब 2 और गाने निकालूंगा इसलिए होपफुली इन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर. और जो डांस वाले हों ताकि डांसिंग का जोश जो है जो क्लब्स में लोग गा सकें और इन्जॉय कर सकें. सो दैट्स द ड्रीम. थैंक यू. उमेश और मैं 20 साल से दोस्त हैं. मेरा सेकेंड शो फैमिली नंबर 1 उमेश के साथ था. तब वो बहुत पतला था, उसके बाद बीच में मोटा हो गया. नहीं मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और फिर से पतला हो गया. एंड फिटनेस के बारे में आप तो जानते हो, फिटनेस को लेकर आपने मुझे देखा ही है, बिग बॉस में देखा है, उससे पहले देखा है, बॉलीवुड में फिट. तो ये बुक जब उमेश ने मेरे को बोला कि बुक फिटनेस के बारे में यार और मेरे फिटनेस के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि कोई इंसान जो पतला था फिर मोटा हो गया, फिर से पतला होकर उसे मेंटेन कैसे कर रहा है. सो आई सेड आई विल बी देयर, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच. मुझे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट यहाँ से सीधे, पर मैंने कहा कि मैं शो ले आऊँगा. 2 रीज़न है. एक तो आज उमेश का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू उमेश. दूसरी बात यह है कि फिटनेस के बारे में कोई चीज़ हो और विशाल गोल्डन मिस करे ऐसा हो नहीं सकता. और आपका हाल ही में जो सॉन्ग आया सिद्धार्थ चुटिया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी चर्चे हुए सॉन्ग, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में क्या? यार पब्लिक को जो अच्छा लगे ऐसा काम करते रहेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे. पर लकीली सॉन्ग इज डन वेरी वेल, इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज. तो बहुत खुश हूँ सॉन्ग को लेकर. लोगों को फिट रहने के क्या टिप्स देना? 2 चीज़ करना चाहिए. एक तो बहुत पुराने हमारे आप सब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ज्ञान नहीं है ही कि मैं खुद फॉलो करता हूँ. बहुत जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे जो जैन डाइट में भी है, 8 बजे के बाद मत खाइए, उसके पहले जो खाना है खाइए. मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं जलेबी रसगुल्ले गुलाब जामुन सब कुछ खाता हूँ. बस एक बॉडी के लिए पर्टिकुलर कैलोरीज होती है, उसे मैं काउंट करता हूँ हमेशा उस कैलोरी के नीचे, यानी कि हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ. फिर क्या खाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अंटिल यू आर इन कैलोरी डेफिसिट. 8 बजे से पहले खाना बंद कर दीजिए और 1 घंटा निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए. 1 घंटा एक्चुअली सिर्फ 4% है दिन के, 24 घंटों में से 1 घंटा इज ओनली 4% ऑफ योर डे. सो इफ यू कैन डू 1 आवर एवरी डे एन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक पर जाइए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जिम पर जाइए, कुछ भी कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे जिम में जाके महंगे इक्विपमेंट पर ही एक्सरसाइज करें, आप कुछ भी करिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, बस उतना कीजिए. Sohail bhai, beloved, doesn't need any introduction. It's like I'm very overwhelmed that, you know, somebody from the Khan family is there. I'm more than happy. Oh, and bhai would have been there, but he's in Abu Dhabi, he's gone for IFA. And the relationship that we have come a very long way. Matlab, Daukari uncle and dad have been friends since
very long. Very long. And I know this family and especially this boy. ये खुद इतना health और fitness का freak है कि यार इसका तो हक बनता है ये gym खोलने का. So I'm very happy and proud that he's opened this gym and Bandra has got another place to come and work out and for the youth to get fit. Nothing better than that. So when you're such an addict yourself for working out, the space, the entire class, 360 degree view, what do you have to say about that? No, it's lovely. In fact, it's very alive. So you come and you spend a few hours of your life in the gym. And for me, you know, a lot of people say बॉडी स्विच है ये. आई थिंक आजकल स्पेशली जो हमारी सोशल मीडिया का जो युग आ गया है सब लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं ऑफ हाउ फिट दे आर. बट आई वुड से नॉट जस्ट फिट दे आर फिजिकली बट मेंटली एज वेल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक. हम सबके पास ये बुक होनी चाहिए, हम सबको ये बुक पढ़नी चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ अस गो थ्रू आर अनफिट फेज इन लाइफ. सो आई थिंक हाउ टू गेट बैक टू योर फिट फेज टू द बॉडी स्विच एंड फ्रॉम फ्लैग टू गेट बैक टू बीइंग फैब, यू नो, इट इज फैबुलस. That's what our aim should be because we are all in the world of entertainment and people who are not even in the world of entertainment are very, very conscious about the way they look. So I think big congrats to Umesh Pilwani, who's such an all-rounder, an anchor, an actor, a scientist, a singer. So unhone mere saath ek gaana bhi gaya hua hai. So I think he's an all-rounder and big up to Umesh Pilwani and big congratulations for this. जी ऑफ कोर्स आई लाइक टू सिंग. आप बताइए कौन सा गाना गाऊंगा. कोई भी गाना गा दे. मैं जिंदा गाती हूँ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बी अलाइव एंड हेल्दी एंड किकिंग. राइट राइट. मौत शर्मिंदा है जिसमें जहाँ सब जिंदा है. हवा कप है, सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है, सब जिंदा हूँ मैं. किसके लिए? आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. 90 डेज ऑफ फिटनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वी ऑल वर्क आउट, वी ऑल ईट एंड देन वी आर सेइंग यार हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी वेट तो उतरता ही नहीं. सब ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं. But then there was a person like Umesh. 90 days ke pehle ki ye picture aapko milegi and then that's it's a fab, like a fab. So I think you know, jitne bhi log hai bahar, main khud meri baat karti hu. I mean I am a person, main roz subah der ghanta work out karti hu. I make sure I eat everything. I can't diet. I know that about me. I am a foodie. सो मैं बर्गर खा के मैं मेरे क्रंचेस कर रही थी मैं सब कुछ. आई जस्ट वांट टू सी दिस टू बी दैट लेट्स नॉट जस्ट कंप्लेन. वी ह्यूमंस लाइक टू कंप्लेन अ लॉट अबाउट एवरीथिंग इन आवर लाइफ. व्हाई? एंजॉय योर बॉडी, लव योर बॉडी एंड योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू नाउ. आई एम गोना गो होम, आई एम गोना रीड हिज बुक एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड दिस. आपने जो चैप्टर्स पढ़ा कोई कोई ऐसा चैप्टर जो काफ़ी अच्छा लगा हो, एनी लाइफ लेसन वुड यू लव टू गिव टू अवर ऑडियंस? एज ऑफ नाउ ऑनेस्टली आई हैवंट बिकॉज अभी बुक लॉन्च हुआ है व्हिच कॉन्टेंट. आई एम आल्सो वेरी हैप्पी दैट इट्स बर्थडे ऑन हिज बर्थडे दिस लॉन्च. सो मैं I like inspiring. I like, you know, when you know someone just comes out and says, you know what, I did it. So I'm definitely gonna post about it. I'm gonna post about a lot of life. I'm definitely gonna post about it and, you know, gonna I mean, whatever you said. So yeah. Yes, I'm gonna grab those brilliant chapters. And what do you want to say after the lockup? We have seen the 2.0 version of Poonam Mandey and people want to see you in doing a great project. So tell us something about your first of all, you tell me what's 2.0 version. I want to know the new version of Poonam Mandey where people can see me. Yeah,
Oh yeah, he's like from yeah, from behind, no? Pictures like yeah, even I think it's 2.0. Thank you. Thank you all for coming. ये जो बुक है मेरी मेरी तीसरी बुक है एंड मेरी पहली बुक थी आई ऑल ऑफ योर माइंड, सेकेंड बुक थी द माइंड स्विच और थर्ड बुक जो है द बॉडी स्विच. और ये जो है हमारे माइंड बॉडी सोल, ये तीन ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के और इन्हीं को हम निग्लेक्ट करते हैं. जब हम बात करते हैं माइंड की तो हम यू नो बहुत ही अलग अलग हमारे विचार आते हैं पर वो विचार हमारे काम के नहीं होते. उसी तरह हमारे खाने को लेके भी हम जो खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाली इस वजह से खाते हैं क्योंकि वो खाई जाती हैं. हम उनको कभी क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम कब शुगर खाते हैं, हम ग्लूटेन खाते हैं यानी कि वीट चपाती खाते हैं, हम ऑयल्स खाते हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे बॉडी में जा क्या रहा है. पर कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज कर रही हैं और हमें पता नहीं चल रहा है. आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ह्यूमन सेल जो है 800 साल तक जिंदा रह सकता है, यानी कि किसी भी इंसान की उम्र 800 साल हो सकती है. पर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम उस उम्र को कम करके अभी 80 साल तक लिया है, 10 गुना कम कर लिया है. तो ये जो बुक मैंने लिखा है वो एक जागरूकता लाने के लिए लिखा है, लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए लिखा है. मैंने अपनी न्यूरोबायोलॉजी की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से. आई हैव डन माई डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द बेसिक्स ऑफ फूड साइंस. और उसी के माध्यम से, उसी की नॉलेज से मैंने शेयर किया है. पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करके मैंने 32 किलो लूज किए 3 महीने में, 90 डेज में. तब वो टाइटल बॉडी स्विच Flap to Fab in 90 days. And when I was reading the content, there are so many things that you have written about the nutrition, about the mindset, about the way to express, the way to exercise. Tell us something about it. Yes, so the whole thing I've done is I would get a lot of clients who wouldn't be able to afford because I'm also busy as an actor and an MC. So I decided that in the book mein I'll put all this information down. So coming to your question, it's all about getting the right roadmap. Putting your mental balance in the right attitude to understand ki pehle to main sawal we have to ask is why do I want to lose weight. Once we get the answer to that, once we understand the reason why I want to lose weight, if I want to live a long life, mujhe apne pyaron ke sath rehna hai, apni family ke sath rehna hai, mujhe zinda rehna hai, kitni khoobsurat duniya hai. जितने ज़्यादा साल हम रहेंगे इसके बाद किसी ने देखा नहीं है क्या होगा, पर इस लाइफ को तो हम खूबसूरत बनाएं. और सिर्फ माइनर चेंजेस करके अपने डाइट में, इस बुक में बहुत खूबसूरती से वो मैंने समझाया है ताकि एक्शनेबल स्टेप्स लेके आती अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें. मेरे पब्लिशर हैं निकेत राज द्विवेदी जो कि राइट ऑर्डर के CEO हैं और वो एक यंग डायनामिक पब्लिशर हैं. उन्होंने इस बुक को ऑलरेडी यू नो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश करने के लिए कहा है. प्लस दे आर ऑल्सो टेकिंग इट पैन इंडिया, एवरी मेजर बुक स्टोर राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट्स टू द एनी बुक स्टोर आउट देयर विल बी स्टॉकिंग दिस बुक्स. एंड बहुत ही अग्रेसिवली ये इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं रीजनल भाषा में भी पब्लिश. बिल्कुल रीजनल भाषाओं में भी. फिलहाल हम लोग ने हिंदी और मराठी प्लान किया है पर इसके बाद हम लोग और भी रीजनल भाषाएँ सोच रहे हैं. बॉलीवुड और या टेलीविजन से काफ़ी सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन बस वही है कि एक यू नो किसी भी इंसान का, मैं एक्टर रह चुका हूँ, अभी भी वेब सीरीज कर रहा हूँ और मेरे एक फ़ोन कॉल पे ये सारे जन इधर आ गए और उन्होंने आके यू नो इतना सपोर्ट दिया मुझे. आपने देखा राइट फ्रॉम दी टॉप मोस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री, एक फ़ोन कॉल पे वो यहाँ पे आ गए. तो मुझे सिर्फ अपने आप यू नो अपने गुड लक पे अच्छा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक फोन कॉल पे मेरे सपोर्ट के लिए हाजिर होते हैं. इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एवरीथिंग एवरी वर्ड इन द बुक, इट्स अ 60,000 वर्ड बुक, एवरी वर्ड इन द बुक has been scientifically researched. ये मैंने नहीं लिखा है, मेरी
आई डोंट टेक क्रेडिट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, मेट यूनिवर्सिटी, पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन न्यूरो साइंस. मैंने लॉकडाउन के दौरान 125 घंटे का न्यूरोबायोलॉजी का कोर्स किया और अंडरस्टैंड किया कि न्यूरोबायोलॉजी होती क्या है, एमिनोज क्या होते हैं, मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज क्या होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं, शुगर हमारी बॉडी में क्या डैमेज कर रहा है, उसके पूरे डिटेल में डॉक्टर रॉबर्ट लेस्निक के आप वीडियोज़ देखिए जाके यूट्यूब पर. तो ये मेजर रिसर्च के बाद एवरी वर्ड इन द बुक हैज बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड. बट द ह्यूमन नेचर दैट लाइक दे डोंट फॉलो, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक यू नो एक एज जहां पर आई डोंट नो इफ यू रिसर्च कितना आदमी ने कितना जिया है. देयर आर पीपल हु आर अनडॉक्यूमेंटेड एंड हु हैव लिव्ड फॉर 300 टू 400 इयर्स और अभी भी वो जिंदा है, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंट प्रूविंग देयर एज. बट दीज आर दोस पीपल हु हैव गॉन अप टू द माउंटेंस एंड लिविंग राइट देयर. सो यू नो फॉर देम there's a city in Japan, Okinawa, if I'm saying it right. And वहाँ पे there are the most centennials, which means the most people live to 100 over there. और उनका diet research किया तो उनका एक natural intermittent fasting है. उनके diet में naturally sugar नहीं है and they just take sweet potatoes. तो आप research करके देखिए Wikipedia पे. And Okinawa में people live more than 100, most percentage of people. So that's possible, you know. आज हमारे I just lost you know my uncle in LA and he was just 67 and people were saying अरे he lived a good life. 67? मैं 50 का हूँ. आई हैव टर्न 50 टुडे. सो लाइफ तो अभी शुरू ही है यार, क्यों गिव अप कर देते हैं लोग. सोचते हैं मैं मेरे दोस्त हैं वो रियूनियंस में मैं जब जाता हूँ कहते हैं कि यार अब तो 50 साल के हो गए अभी क्या लाइफ. अरे यार लाइफ अभी शुरू हो रही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बिगिंस नाउ एंड यू हैव यू कैन लुक बैक एट 50 एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. यू आर यू आर थैंक यू सो मच. ऑल द लास्ट 2 बजे मैं सोया रहता था, ये जगह रहता था बैठ के मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि उमेश इससे बात हुई है, उससे बात हुई है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. पूरा उन्होंने इज टेकन अनबिलीवेबल एफर्ट्स टू मेक दिस अ ट्रैक. और मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब मैं मेरे घर में इन माई किचन आई गॉट नो बेसिक रेंज एट ऑल मोबाइल रेंज. तो मैं किचन में जाता था टू टॉक. आई मीन लाइक इन एवरी ओवर द होल हाउस हैज गॉट नो रेंज एक्सेप्ट द किचन रेंज. वो किचन टू डू माई टू गिव माई टू टॉक टू हिम. सो ये क्या मुझे बोलता था किचन में जा रहे हो भले जाओ पर अपना मूड स्कॉच टेप लगा लो. Yes. So it has been a really lovely journey. We have been every day talking from morning to night. We have been going out together, doing researches for all the things, outdoor work that we had to do. And I think he has really dedicated, he and Shweta, his wife, have really... Over to you, Pradeep. I'm sorry to interrupt. I have to rush back. Thank you so much. And Shweta have really done so much of work, you know. Shweta, 1 minute. Only 1 minute. Shweta, this is Umesh's wife. And she has really worked so hard for them. I know, but the way she has dedicated herself, you know, and from morning to night, taking everything, you know, minute detail they have taken care of in this whole event. And that's the reason you can see this whole event has gone super. Thank you so much. Thank you all for being a part of it and the celebration.